ट्री इम्प्रूवमेंट पेपर वन का बी सेक्शन है, इसका वीडियो बचा रह गया था, अब इसे देख लेते हैं आज से। तो सबसे पहले तो आपको ट्री पता है क्या है, अब उसका इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट मीन्स किस रिस्पेक्ट में करना है, क्वालिटी या क्वांटिटी के प्रोडक्शन में। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ट्री की समस्याएँ क्या हैं जिस वजह से हमें उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पहले आप अगर हम अपने ट्री को देखें तो कोई भी ट्री होता है उस पर जो उसका एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है वो उसके खुद का जेनेटिक मेकअप और उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उन दोनों का एक समअप होता है, दोनों का मिल करके एक एवरेज निकला होता है। तो जो हमारी वैल्यूएबल स्पीसीज हैं, अगर मालूम पता पड़ रहा है कि वो जो स्पीसीज है वही टेढ़ी मेढ़ी ग्रो कर रही है, तो इससे क्या होता है आपकी जो टिम्बर की क्वालिटी है वो घटिया हो गई, या बाहर से तो टिम्बर स्ट्रेट है सही है लेकिन उसकी इंटरनल जो कंटेंट है वो गड़बड़ है। मींस कोई टिम्बर है वो आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हम टिम्बर के वैल्यू के एस्पेक्ट से देख सकते हैं। दूसरा भाई बोल सकते हैं कि हम इंडिया में जैसे अपने पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें फ्यूल वुड की डिमांड बढ़ रही है, बट पेड़ तो वही पुराने हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे पेड़ लगाए जाएँ जो सेम स्पेस कवर करें लेकिन जो उनका ईल्ड है, फ्यूल वुड ईल्ड है या टिम्बर ईल्ड है या उनका जो फूडर प्रोडक्शन है वो डबल हो जाए, या फिर हम ये चाहते हैं कि वो जो कर रहा है वो करते रहे लेकिन उसके साथ साथ वो सॉयल कंजर्वेशन और इम्प्रूव करें, सॉयल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन और करें, या फिर सबको एक साथ ले लें मींस, या फिर क्लाइमेटिक रीसाइलेंट ट्री ग्रो करना मींस जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग है इनका इम्पैक्ट उन पर कम पड़े। तो इस टाइप के आपको ट्री प्रोड्यूस करने हैं। अब ऐसे के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी आपसे बोला कि कोई भी ट्री होता है उसका जो करेक्टर होते हैं वो दो टाइप से डिपेंड होते हैं, एक उसके अंदर का खुद का और दूसरा बाहर से, मीन्स उसका जेनेटिक इम्पैक्ट, जेनेटिक कंटेंट और दूसरा इन्वायरमेंटल। तो अगर हमें इसे इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, देखो एक्सटर्नल जो है जिसे हम इन्वायरमेंटल बोलते हैं उसको हम कहीं ना कहीं सिल्वीकल्चर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। सिल्वीकल्चर के थ्रू कैसे, जैसे कोई ट्री होता है वो साइड में ब्रांचें बहुत होती हैं, तो हम सिल्वीकल्चर में क्या करते थे कि पेड़ों को स्टार्टिंग में एक एक मीटर के डिस्टेंस से प्लांट करते थे। जब वो एक टाइम तक ग्रोथ करते थे, जब उनकी जो क्राउन है वो काफ़ी थिक हो डेंस हो जाता था, तो फिर एक एक मीटर वालों को काट करके उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ा देते थे। इसे आपने समझा था लाइट इंक्रीमेंट। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम पेड़ों को एक टाइप से ट्रेंड देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उन्हें। तो कहीं ना कहीं हम उनकी उनको टेढ़ा मेढ़ा ग्रोथ करने से रोक देते हैं और वो सीधे स्ट्रेट ग्रोथ करते हैं ऊपर की साइड। तो ये कहीं ना कहीं हम जो टिम्बर है या ट्री है उसके कैरेक्टर को बाहर से इन्वायरमेंटल कंट्रोल करके उनको अपनी जो रिक्वायर क्वालिटी है या क्वांटिटी है उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तो एक्सटर्नल कितना भी दो, जो आदमी जैसा अंदर से है ना वो वैसा ही दिखाई देगा, वो जब भी मौका मिलेगा वो अपने कैरेक्टर बता देगा ट्री। तो इसलिए हमें उसको इंटरनल भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ट्री इम्प्रूवमेंट में जो मेथड यूज होते हैं, तो ट्री इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में अकेला है, उसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो फॉरेस्ट को मैनेज करने की जो टैक्टिक है उन्हें भी यूज करते हैं, सिल्वीकल्चर की टैक्टिक को भी यूज करते हैं, और जो जेनेटिक्स या ट्री ब्रीडिंग की जो टैक्टिक है उन्हें भी यूज करते हैं। तो ये सब को मिला करके ट्री की टोटल जो क्वालिटी और क्वांटिटी में इम्प्रूव करना वो है ट्री इम्प्रूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ट्री की एक्सटर्नल और जीनोटाइप दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, और ये इन्हीं दोनों टाइप से उसका जो दिखता है वो दिखेगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ट्री में दो होते हैं, अगर आपने कभी जेनेटिक्स पढ़ी हो तो, जैसे आप हो, आप जैसा अंदर से दूसरा आपका बाहर का फिजिकल अपीयरेंस है। तो बाहर से जो फिजिकल अपीयरेंस है इसे बोला जाता है फिनोटाइप, मीन्स जैसे आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। जीनोटाइप होता है आपकी सेल का जो डीएनए है वो, आपका अगर क्लोन बना दिया जाएगा तो क्योंकि आपका जीनोटाइप सेम है तो जो क्लोन होगा वो बिल्कुल कैरेक्टर में आपकी जैसा होगा, एक पेड़ का क्लोन जो होगा वो बिल्कुल पेड़ की जैसा होगा। तो एक होता है जीनोटाइप और दूसरा होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप तो हमेशा प्योर रहेगा, जो किसी ट्री का जो है जीनोटाइप वही रहेगा, लेकिन जब वो जीनोटाइप एक्सप्रेस होता है तो इन्वायरमेंट उस पर इम्पैक्ट देता है। इस टाइप से फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप से थोड़ा वेरिएट होता है। इन्हीं चीज़ों का हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं कि ये हमारी जो समस्या थी, जैसे कि हम
चाहते थे कि टिम्बर की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़े, या उसमें जो टेढ़े मेढ़े पेड़ उग रहे थे ये ना हो, इनके जीनोटाइप को इम्प्रूव कर दो, जिससे ये पेड़ी अंदर से भी सीधे ग्रो करने हो, और फिर हम जब बाहर से इन्हें सीधे करने का ट्राई करते हैं तो ये बिल्कुल 100% सीधे हो। मतलब वो अंदर से टेढ़े हैं, तुम बाहर से कितना भी सीधे करो वो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा टेढ़ा ही। ठीक है, जैसे गमार टाइप के जो लोग हैं उन्हें कितना भी ट्रेंड कर दो, वो आर्मी में चले जाएँ या किसी भी रूल के अंडर आ जाएँ, वो रहेंगे गमार ही। ठीक है, तो ट्री इम्प्रूवमेंट, ये तीन चीज़ें आ गई अपनी। अब देखो, एक तो है सिल्वीकल्चर जिसे अपन कर चुके हैं, दूसरा अपना आएगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो अपना इशू बच रहा है वो है जेनेटिक्स वाला। तो जेनेटिक्स में तीन टाइप से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एक है एक्जोटिक्स। एक्जोटिक्स कैसे, कि जैसे आपको हाई यील्ड की चाहिए था, मींस एक यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर प्रोडक्शन करें, तो आप ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस ले आए, या तराई वालों को चाहिए था तो वो पॉपुलर ले आए। तो इस टाइप से आपको जो अपनी रिक्वायरमेंट थी उसके लिए आपने किसी दूसरे कंट्री से कोई प्लांट मंगा लिया और उसे ग्रो करने लगे। लेकिन ये बात सही है कि वो दूसरे कंट्री का है तो उसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, इसे अपन आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड आता है अपना सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या हुआ, आप देखो जो भी प्लांट है आपके आसपास वो क्या है, डोमेस्टिक है, आप उनके कैरेक्टर, उनकी खूबियाँ कमियाँ सबको जानते हो, लेकिन आपको कुछ नई चीज़ें चाहिए, तो आप क्या जाओगे, जंगल में जाओगे और उन्हीं पेड़ों की जो उनकी जो वाइल्ड स्पीसीज है उन्हें देखोगे, और वहाँ पर ऐसी वाइल्ड स्पीसीज ढूंढ के ले आओगे जिसमें वो कैरेक्टर हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि वाइल्ड डोमेस्टिक में प्लांट आकर के अपने नेचुरल कैरेक्टर को लॉस कर देता है, लेकिन वाइल्ड वाले में तो अभी भी हैं, तो वहाँ से पकड़ के ले आओगे। तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन। या फिर कहीं से भी पेड़ उग रहे हैं, कहीं भी आपको मिल गए हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांटेशन हो या नेचुरल हो, उसमें से आप अपनी रिक्वायर कैरेक्टर की स्पीसीज को ढूंढ ढूंढ करके सेलेक्ट करके ले आओगे। तो ये हो गया सिलेक्शन। अब तीसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखो समस्या क्या है, एक्जोटिक तो ऐसा है कि आपको जियोग्राफी के लिए नोट्स चाहिए थे, आपने US या चाइना से कहीं से एक बुक मंगा ली और अपना काम चला लिया, लेकिन ये काम चलाने वाला है, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपको वैसी नहीं है जैसी आपको चाहिए थी, यह आपकी अकॉर्डिंग नहीं है, बट आपका काम अच्छा चल रहा है इसे। दूसरा सिलेक्शन, जब आप किसी को सिलेक्ट करके ले आओगे, मतलब आप मार्केट जाते हो कल और फॉरेस्ट की 3-4 बुक लेके आते हो, तो वहाँ पर 15-20 मिलती हैं, उनमें आर गुप्ता जैसी बुकों को छोड़ करके, जो चिल्लर बुक है उन्हें छोड़ करके एक आध दो उठा के ले आ जाते हो। तो इस टाइप से आपने कुछ अच्छे करेक्टर के पेड़ तो ले आए, लेकिन सिलेक्शन के साथ भी वही इशू है कि आपको डिजायर करेक्टर चाहिए थे, पर 25 की लिस्ट थी कि ऐसा पेड़ जिसकी हाइट अच्छी हो, नाइट्रोजन भी फिक्स करता हो, क्राउन शॉर्ट हो, टिम्बर अच्छा हो, गम भी प्रोड्यूस करता हो, फलाना ढिकाना, 25 की लिस्ट थी आपकी, 25 क्राइटेरिया थे आपके। अब ये जो प्लांट है जो आप बुक लेके आए, ये आपकी 25 क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे, इसमें आपको 10-12 करेक्टर मिल गए, तो आप इसे सिलेक्ट करके ले आए। तीसरा मेथड जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या है कि भाई एक काम करते हैं, हम अपनी खुद की बुक बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, एक बुक है उसका पहला चैप्टर अच्छा है उसका पेज फाड़ लो, दूसरे बुक का उसका तीसरा चैप्टर अच्छा उसका पेज फाड़ लो। तो इस टाइप से तुम डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर हैं, मतलब बहुत सारे जो पेड़ हैं एक ही स्पीसीज के होंगे सभी, उनके जो जीनोटाइप होंगे जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो कर रहे होंगे। जैसे एक ट्री है, टीक का ही ले लो एग्जाम्पल, एक ट्री की एक स्पीसीज है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होता है, तो उसमें वो जीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल है वो जीन को वहाँ से निकाल के ले आएंगे। दूसरा ट्री टीक की स्पीसीज जिसका टिम्बर बहुत अच्छा है, तो वहाँ हम टिम्बर वाला जो जीनोटाइप है उसे निकाल के ले आएंगे। तीसरे में अगर उसका रेजिस्टेंस थी, जो उस पर लीफ अटैक डिफोलिएटर वगैरह हो रहे थे, तो उनका हम जो रेजिस्टेंस वाला जीन है उसे लेके आएंगे, और ये सभी के सभी जीनों को एक पेड़ में लगा देंगे। तो इस टाइप से जो हाइब्रिडाइजेशन करके तुमने जो प्लांट बनाया, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग वही होगा जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस टाइप से जो आपका ट्री इम्प्रूवमेंट के है, वो आपको तीन सॉल्यूशन मिल गए। सिल्वीकल्चर वाले का आप पहले से जानते हो,
उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुद्दा था अपना ये जेनेटिक्स या ट्री इम्प्रूवमेंट या ट्री ब्रीडिंग का, तो वहाँ पर अपने तीन मुद्दे चलेंगे, एग्जोटिक का, सिलेक्शन का और हाइब्रिडाइजेशन का। अब यहाँ पर जो अपना एक्चुअल पार्ट है डेफिनेशन वाला, इसे देख लेते हैं। इसका पर्पज है जैसे थोड़ा जो कन्फ्यूजन टाइप की चीज़ें आ जाती हैं वो ना हो आपको, कि ट्री इम्प्रूवमेंट है क्या। मतलब आपका पर्पज है कि ओवरऑल जो यील्ड है और जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कैसे करोगे, वही तीन चीज़ें, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि आपकी जो सिल्वीकल्चरल टूल हैं उनको, उनके साथ जेनेटिक मेकअप को जोड़ के आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर दोगे, तो ये तीनों को मिला करके आपको क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है। अब हम एक बार ये अपने पुरान जाते हैं और उस पर एग्जोटिक को देख लेते हैं। एग्जोटिक को क्या करोगे, आप बाहर के प्लांट हैं उनको इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। दूसरा तो ये प्लांट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है ये इथनोबॉटनी, उसमें आप एक बार देख लोगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड दो चार टर्मिनोलॉजी है कि कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस पर कभी देर सवेरे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो वहाँ का काम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया। दूसरा मुद्दा था अपना हाइब्रिडाइजेशन। देखो जब हाइब्रिड करते हैं ना, जैसे अभी दो पेड़ों के बीच ब्रीडिंग करके किया, तो ये जो ब्रीडिंग करना है इसे बोलते हैं एक्चुअली ट्री ब्रीडिंग। किसी प्लांट की जेनेटिक स्टडी को करते हैं ट्री जेनेटिक्स। देखो प्लांट की इस जेनेटिक स्टडी को बोल दिया प्लांट जेनेटिक्स, लेकिन अगर वो प्लांट ट्री है तो हम उसे बोलते हैं ट्री जेनेटिक्स, ठीक है। और ट्री जेनेटिक्स में तो आप उसकी जेनेटिकल स्टडी करोगे, जेनेटिक्स किस टाइप का डीएनए है उसका, कौन सी जीन पे क्या है, लेकिन उसमें उनके बीच में क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं करोगे। जब उनके बीच में ब्रीडिंग करके कोई नई स्पीसीज बनाने का ट्राई करोगे, मीन्स वेराइटी बनाओगे, तो उसे हम बोल देंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मुद्दा यही है कि ट्री ब्रीडिंग आप क्यों करना चाहते थे, यानी कि जो अपना हाइब्रिडाइजेशन था वो क्यों करना चाहते थे। तो उसके पीछे यही था, एक तो आपकी जो समस्याएं थी आप उनका सॉल्यूशन चाहते थे, मतलब टिम्बर की क्वालिटी और क्वांटिटी। दूसरा जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस वाली बात हो गई थी, आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, क्लाइमेटिक रिसाइलेंट क्रॉप बनाना चाहते हो, ठीक है। या फिर आपका जो रोटेशन पीरियड है ट्री का, 60 ईयर 80 ईयर इस टाइप का जो रोटेशन चल रहा है, आप चाहते हो कि उसका रोटेशन पीरियड कम हो जाए, घट जाए, तो उसे कम करने के लिए भी आप ब्रीडिंग करोगे, ठीक है। अब ब्रीडिंग के एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज है कि जो भी आप इसमें जेनेटिक मेकअप करते हो वो एक टाइप से परमानेंट होता है। दूसरी बात, मतलब परमानेंट हो गया मीन्स ऐसा नहीं कि आपने दो चार के स्पीसीज के बाद वो भग जाएगा, वो लगभग एक टाइप से रिलेटिव परमानेंट है। ये नहीं कि बिल्कुल 100% रहे, क्योंकि जब तक आप क्लोनिंग करते रहोगे तब तक परमानेंट रहेगा। जैसे ही आपने उस ट्री की दूसरे ट्री के साथ ब्रीडिंग करवा दी, वो जो नई जनरेशन होगा उसमें पेरेंट के 50% जीनोटाइप जाता है, मतलब फिर वो, तभी मैंने बोला कि रिलेटिव परमानेंट रहेगा, मतलब जब तक आप क्लोनिंग करते रहोगे तब तक वो परमानेंट मिलता रहेगा आपको। दूसरी बात, आप इससे उसकी जो रेजिस्टेंस है किसी पैथोजन इंसेक्ट पे है उसे बढ़ा सकते हो, टिम्बर की क्वालिटी है उसे बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लोगे, और जैसे लोकल अडेप्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे आप डेजर्टिक कंडीशन में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है और नेचुरली टिक नहीं होता, लेकिन आप ऐसा किसी प्लांट का जीनोटाइप लेके आ जाते हो जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर उस आप उसका जीन उठा करके टीक में डाल दोगे तो टीक का क्या होगा, रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर आपको ट्री डेजर्टिक कंडीशन में भी उगा लोगे। तो इस टाइप से हम ट्री के इंक्रीज क्या कर सकते हैं, उसकी अडेप्टिबिलिटी, लोकल अडेप्टिबिलिटी कर सकते हो। या ऐसा एक्चुअल में कहाँ किया जा रहा है, जैसे वीट है, वीट साल जो साल्ट है उससे सैलिनिटी में रेजिस्टेंट नहीं होती है, लेकिन मैंग्रोव प्लांट है उनके जीन को निकाल करके वीट और राइस में लगा दिया जाता है, तो उससे क्या राइस की ऐसी वैरायटी बना रखी है जो साल्ट में भी टॉलरेंट है, जैसे जो साल्टी कंडीशन सॉयल है, सेलाइन सॉयल, एल्कलाइन सॉयल है, उसमें भी वो उग जाती है, ऐसी वीट में भी किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या करोगे, एक है जीन कंजर्वेशन। ये कैसे, मान के चलो आपने ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया, ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है, फॉरेस्ट में कोई ऐसी स्पीसीज है जो बहुत ही कम बची है, दो चार पेड़ ही बचे हैं। अब मान के चलो कोई सिंगल अकेला ही पेड़ बचा रह गया जो 250 साल पुराना पेड़ है, लेकिन अकेला बचा है और तो उसकी कोई स्पीसीज बची नहीं है। जब कोई बची नहीं है तो ब्रीडिंग कैसे करेगा, वो दो दो पेड़ तो चाहिए, अगर वो
क्रॉस पॉलिनेटेड है तो केस में, तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब स्पीसीज तो ख़त्म होने वाली है। तो आप उसके वो जीनोटाइप को लेकर के कंजर्व कर सकते हैं, उसके जीनोटाइप को किसी और पेड़ में लगा करके नई ब्रीडिंग कर दोगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो जीनोटाइप था या जो करेक्टर था वो हमने यूज कर लिया और वो कंजर्व भी हो गया करेक्टर, ठीक। और सबसे आज के टाइम का मुद्दा क्या है, क्लाइमेटिक रिसाइलेंट क्रॉप बनाना, चाहे वो पेड़ हो चाहे एग्रीकल्चर वाले हो, सबसे से यही करना है। एक तो हमें क्या करना है कि पेड़ की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो लाइट आती है, लाइट को ये कैप्चर करके बनाते हैं फूड। तो पहले मान के चलो लाइट के 100 फोटोन को इन्होंने एब्जॉर्ब किया और उससे 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया। हमें जेनेटिक ब्रीडिंग में क्या करना है कि उसका जो प्रोडक्शन है उसे डबल कर देना, मतलब इस टाइप से मैनिपुलेट करना है या इस टाइप से उनकी रिएक्शन को मैनिपुलेट करना है कि 100 फोटोन के आने पर वो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ना बना के 2 बनाए या 3 बनाए। तो अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे तो फूड ज़्यादा बनेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि उसकी जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यही एक सॉल्यूशन है कि आगे के टाइम पे जब 2050 या 60 के टाइम पे जब टोटल एग्रीकल्चर एरिया हमारा श्रिंक हो जाएगा लगभग 30-35% और पॉपुलेशन लगभग 40% बढ़ने वाली है, तो इस टाइम पे जहाँ एरिया कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पर कहाँ क्या सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यही सॉल्यूशन है, ये ब्रीडिंग वाला प्रोग्राम। चलो आगे देख लेते हैं। तो इसके साथ फिर डिसएडवांटेज, ट्री ब्रीडिंग के साथ सबसे पहला डिसएडवांटेज है, आप इसमें क्या करते हो, एक से एक एक प्लांट से फ्लावर ले लिया, दूसरे से उसके फ्लावर के एंथर ले लिया, मेल फीमेल फ्लावर को, आज उन्हें आपने क्रॉस पॉलिनेटेड करके नया प्लांट जर्मिनेट किया। अब ये प्लांट को अगले 10 साल लगेंगे जब वो बड़ा हो पाएगा, तब आप इसके करेक्टर की स्टडी करोगे। फिर अब मान के चलो आपको 15 करेक्टर ले आने थे, तो पहली जनरेशन में तो आप 2 प्लांट से ही कोई ब्रीड कर पाओगे ना, ये ग्रो किया, इसे इसमें फिर फ्लावरिंग होने के लिए अगले 20 साल चाहिए। फिर आप जब 20 साल का हो जाएगा तो इसमें दो पेरेंट के करेक्टर आ गए, फिर आपने साइड वाले जो दो पेरेंट के करेक्टर वाला उगाया होगा उसके साथ क्रॉस कराओगे, तब जो नई ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें 4 पेरेंट के करेक्टर होंगे। तो इस टाइप से टाइम जो लगता है वो लगभग पता पड़ा कि आपको एक वैरायटी निकालने में 150 या 200 साल लग गए। तो ये जो रोटेशन लगता है इसमें, ये बहुत सबसे दिमाग का दही करने वाली चीज़ है, क्योंकि 200 साल में तक कोई जिंदा नहीं रहता, इंसान तो रहता नहीं, वो 20-22 साल में निकल लेता है। दूसरा, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये ट्रीक जो या जो स्पीसी जिसका आप डेवलपमेंट कर रहे हो ये उस टाइम तक इम्पोर्टेंट रहेगी भी या नहीं रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो पहला तो ये इशू है। दूसरा, जब भी कुछ ऐसा करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पेड़ को ही बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता, तो अगर 100 पेड़ लगा दिए तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए। मतलब तीसरा, इसका साइज बहुत बड़ा होता है पेड़ का, जब आप फ्लावर लेने जाओगे तो आपको सीढ़ी लगा करके ऊपर चलना पड़ता है, 22-23 मीटर का प्लांट है तो आपको क्राउन तक जाना है, जंगल में तो नहीं जा पाते क्योंकि अच्छे जो प्लांट हैं वो कहीं ना कहीं अंडुलेटिंग टाइप की ऐसी रीजन में है जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाता है, तो आप व्हीकल लेके कैसे पहुँचोगे। तो पता पड़ा कि सीढ़ी लेकर के ऊपर तक चढ़े, ऊपर से गिर गए तो उसके हाथ पैर टूट गए, हो गई रिसर्च। तो ये इसकी समस्या है। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बोला कि इस टाइप की रिसर्च में टाइम बहुत लगता है, वो डाटा को मेंटेन करना, ये कंज्यूमिंग चीज़ है। तो ये सबसे नेगेटिव चीज़ें हैं जो ट्री ब्रीडिंग के या डिसएडवांटेज है। अब आपने ट्री ब्रीडिंग के एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए, होता क्या है वो समझ लिया, तो आप इसकी देख लेते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर लिखा है डिस्कस द यूज ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट इन नेचुरल फॉरेस्ट एंड स्टैंड इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ट्री इम्प्रूवमेंट का क्या यूज है या क्या इम्प्लीकेशन है, कहाँ पर, एक तो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट है या कहीं पे हमने थोड़ी जो ट्री स्टैंड है, स्टैंड वही फॉरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट हुआ जहाँ सिमिलर टाइप की वेजिटेशन हो, तो या तो नेचुरल यहाँ पर बिल्कुल पूरे को एक ब्रॉडली बोल दिया या कोई छोटा सा एरिया बोल दिया स्टैंड, उसे उसके इम्प्रूवमेंट में ट्री इम्प्रूवमेंट कहाँ रोल प्ले करता है, ठीक। तो या एक्चुअली तुमसे बोल सकते हो कि आपको क्या करना है कि कैसे इम्प्रूव करोगे, तो वही है आपको इम्प्रूव क्या करना है, कोई स्पेसिफिक करेक्टर
टिम्बर हो सकता है, फ्यूल बोर्ड, फूडर, कुछ भी हो सकता है। क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी क्वांटिटी वो डबल या ट्रिपल कर दें पर डे। जो पहले 1 मीटर क्यूब CO2 को कंज्यूम करता था अब वो 25 करने लगे। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर हैं जिसको आप इम्प्रूव करने चाहते हो, तो ट्री ब्रीडिंग में कैसे कर सकते हो, या तो कोई ऐसा एग्जॉटिक प्लांट लेके आओगे जो ऐसा करता हो, दूसरा नेचर में जाओगे और ऐसे प्लांटों को ढूंढ ढूंढ के निकालोगे जो इस टाइप के काम करते हो, या तीसरा आप उसके जेनेटिक्स में मैनिपुलेट करोगे जो आपके यहाँ लोकली पहले से अडॉप्टेड प्लांट है और उसको इस हिसाब से बनाओगे, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू करोगे। लोकल के में ऐसा इम्प्रूवमेंट करने से का फ़ायदा क्या है, क्योंकि प्लांट पहले से वहाँ उगता है तो उसने लोकल एनवायरनमेंट को पहले से ही अडॉप्ट कर चुका है। दूसरा उसका जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्ट निकलेंगे उनका पहले से ही अवेलेबल मार्केट है, क्योंकि लोग पहले से जानते हैं कि ये प्लांट क्या है और इसका उनके लिए यूजेज क्या क्या है। जब आप एग्जॉटिक लेके आते हो तो उसमें ये समस्याएं आती हैं। पहली समस्या कि वो प्लांट नया होता तो उसका मार्केट नहीं होता, दूसरा उसका यहाँ नेचुरल रीजनरेशन अक्सर नहीं हो पाता क्योंकि वो उसका होम नहीं है, तो उसने यहाँ लोकल के हिसाब से अडॉप्टेड भी नहीं है प्लांट, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बेनिफिट एग्जॉटिक के ये है कि जब वो यहाँ नया नया आता है तो यहाँ कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते, कीड़ों को भी ये लगता पता नहीं कौन आ गया, तो वो कोई भी उसे खाने के मूड में नहीं होता। तो इस टाइप से एक जो रेजिस्टेंस होती है वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ ये बात अलग है कि 10-15-20-25 साल बाद जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें मालूम पड़ जाता है यार मस्त पेड़ खाओ दर। तो जैसे यूकेलिप्टस जब आया था तो उस पर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होता था, लेकिन 50-60 सालों बाद उस पर भी इंसेक्ट अटैक होने लगा। आगे चलते हैं, अब अपने जो सेकंड चैप्टर है आपके नोट्स में उस पर देख लेते हैं। यही जो अपना मुद्दा चल रहा था कि ट्री इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो अपना पहला मुद्दा था एग्जोटिक को लेके आ जाना, दूसरा था सिलेक्शन और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन मुद्दा है इसको अपन अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, दो पेड़ों के बीच क्रॉसिंग करके जो आपको जेनेटिक ट्रेट रिक्वायर है उसको लेके आ जाते हो, ठीक है, कैसे करते हो, उसके कुछ मेथड आगे आ जाएंगे, लेकिन बेसिक आइडिया आपको आ गया कि इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देख लेंगे अपन एग्जोटिक को डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद सिलेक्शन ऐसा मेथड होगा, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा क्योंकि ये लगभग आपके कोर्स का 50% यही है अकेले। तो पहले देख लेते हैं एग्जोटिक को, आपके यहाँ एग्जोटिक कौन कौन से हैं। जैसे आपको ऐसे प्लांट चाहिए थे जिसमें लिग्निन वगैरह कम हो, लिग्निन सुवेरिन का जो डिपोजिशन है वो कम हो, क्यों, क्योंकि जब इन प्लांटों को पेपर मिल में लेके जाते हो तो इनसे फाइबर एक्सट्रैक्ट करने में लिग्निन और सुवेरिन सबसे ज़्यादा केमिकल खा जाते हैं, तो इससे उनका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको पहले तो ऐसे प्लांट चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और लिग्निन सुवेरिन कम हो। तो ऐसे आपको कौन से प्लांट मिल गए पेपर मिल वालों को, पॉपुलर और यूकेलिप्टस, तो वो उनने बाहर से मंगा लिए। पॉपुलर आया US से और यूकेलिप्टस आया ऑस्ट्रेलिया से। ये क्रिकेट बैट वालों को हल्के में क्या मिले कि ऐसा प्लांट हो जिसकी लकड़ी तो हल्की हो लेकिन स्ट्रॉन्ग अच्छी हो, जिससे उसके बैट बना कर मस्त खेला जाए, तो वो सेलेक्स लेके आ गए। कैजुराइना कोस्टल प्लांटेशन के लिए अच्छी है, और प्रोसोपिस जूली फ्लोरा ये राजस्थान है, चंबल वाला रीजन है, इसमें जो की गई थी एयर सीडिंग उसके लिए। तो इस टाइप से एक्जोटिक आपके यहाँ पहले से काफ़ी है, एक टाइप से आपने लेकर के अपने यहाँ का जो पूरा जो डाइवर्सिटी है उसे रिच ही किया, मतलब अगर यूकेलिप्टस आपने कहीं फॉरेस्ट में लगाया तो उसे इम्प्रूवमेंट ही किया ना एक टाइप से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आया था, डिस्कस द रीजन फॉर वाइड स्प्रीड यूज ऑफ एक्जोटिक फॉर प्लांटेशन एंड देयर स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ एक्जोटिक ओवर नेटिव स्पीसीज। वैसे इस टॉपिक को एक्जोटिक वाले को अपन सिल्वीकल्चर में देख चुके हैं, उसका 15 नंबर का चैप्टर था चॉइस ऑफ स्पीसीज। तो वहाँ पर अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि हम इन्हें वाइड स्प्रीड यूज़ क्यों करते हैं एक्जोटिक को, क्योंकि पहला तो ये है कि हमें जो रिक्वायर कैरेक्टर है, सपोज जैसे लिग्निन और सुबेरे नहीं चाहिए और फाइबर अच्छे हो, ज़्यादा फाइबर हो, तो ऐसा प्लांट हमें ब्रीडिंग करके बनाने में भी अगले 40 साल लगेंगे, तो 40 साल की इंडस्ट्री वहीं पे खड़ी रहेंगे, उन्हें भी तो आगे प्रोग्रेस चाहिए। तो और दूसरा, अगर किसी दूसरी कंट्री ने अच्छा पहले से काम कर रखा है तो क्यों ना हम उसका वो काम वहाँ से मंगा के यहाँ कर रहे हैं, तो ये इसके बेनिफिट जाते हैं।
तो ये एक्जोटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि एक्जोटिक के क्या एडवांटेज हैं, वो आपको यहाँ पहले पढ़ चुके हो। कैसा कि पहले तो आपको मिल जाती है वाइडर चॉइस, आप पहले लगा रहे होगे तो अपने लोकल की प्लांट ढूंढोगे, जो भी आपके 20-25 स्पीसीज हैं उन्हीं में से कोई चूज करोगे। लेकिन जब आप ये तैयार हो जाते नहीं कि बाहर का भी यहाँ आ सकता है, तो फिर आपको पूरा ग्लोबल लेवल पर चॉइस के ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा जो 25 स्पीसीज की आपके पास लिस्ट थी वो 250 स्पीसीज पे पहुंच जाती है। दूसरा, क्योंकि एक्जोटिक जो होगा वो लोकल पेस्ट और डिसीज का उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, या एक टाइप से बोल सकते हो कि वो एक टाइप से रेजिस्टेंट टाइप का होगा, क्योंकि आपके लोकल इंसेक्ट पेस्ट को मालूम भी नहीं होगा किसी भी वही खाना है हमें, तो इससे क्या होगा जब अटैक नहीं होगा तो उसकी ग्रोथ पूरी पूरी डेवलपमेंट में जाएगी, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा। इसलिए अक्सर जब नई नई स्पीसीज आती हैं, नई नई वेराइटी आती है, तो उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा होता है। तीसरा, जब कोई एक कंट्री ने दिमाग का दही किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है 25 साल पेड़ में, तो उसके रिसर्च को यहाँ यूज़ करो ना, ठीक है। और ये भी है कि कई बार एक्जोटिक स्पीसीज है वो हमारी ज़मीन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सॉइल को इम्प्रूवमेंट करने का काम कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। फिर इसके बाद कुछ वही इसकी लिमिटेशन है एक्जोटिक के, कि एक बार आप लेके आ जाओ कुछ दिनों बाद 25-30 साल बाद इसमें भी डिजीज होने लगती है, क्योंकि तब तक हमारे इंसेक्ट समझ जाते हैं कि ना हाँ इससे कोई लॉस नहीं है, मस्त खाओ इसे, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं, पहले तो ये बोलते हैं भाई पराया आदमी है, फिर सोचता है अरे कोई पराया नहीं है, क्या अपना क्या पराया, ऐसा मोह माया। दूसरा, एक्जोटिक हमारी इमीडिएट नीड तो कंप्लीट करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन इनके साथ ये है कि जब ये ले आते हैं तो इन्हें एक्लोमेटाइजेशन यानी कि लोकल इन्वायरमेंट के साथ ढलने में इन्हें टाइम लगता है। इसके साथ साथ एक और समस्या है कि जब ये एक बार ढल जाते हैं तो इनका तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, कोई इंसेक्ट अटैक है नहीं, जबकि जो हमारे लोकल वाले हैं वो तो इंसेक्ट से परेशान है, तो इस केस में इनको कहीं कॉम्पिटिशन नहीं है, जबकि ये लोकल वालों को पहले से कॉम्पिटिशन है, उन्हें स्ट्रेस है, तो ये बाहर वाले ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं और पता पड़ता है कि लोकल वेजिटेशन में यही डोमिनेंट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पिछले साल जो 2017 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कहाँ एक्जोटिक है, साउथ इंडिया में, तो वहाँ उसे काटने का बोला जा रहा है। क्यों काटने का, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ, तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि लोकल स्पीसीज को वहाँ उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर भगा रहा है। ओके, इसके साथ साथ एक्जोटिक की क्या प्रॉब्लम होती है कि सीड प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है। पर कश्मीर वाला तो आपने देख ही रुका, वो नाम था रशियन पॉपुलर, एक्चुअली ये रसिया से नहीं है, यूएस से ही है, तो वो एलर्जी करता था उसके पोलन ग्रेन से, इसे आप पहले देख चुके हो। तब अपन वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, तो जो एक्जोटिक वाला इशू था इसे आपने देख लिया कि हम इंडिया में बहुत सारे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इन चीज़ों को अपन देख चुके हैं। अब अपना मुद्दा आ जाएगा सिलेक्शन। अब पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, ये सिलेक्शन जो मेथड है ये काम कैसे करता है। तो मान लो आपको कोई एक डिज़ायर कैरेक्टर था आपका, कि ये फलाना फलाना, आपके पास 5-10 कैरेक्टर की लिस्ट थी, तो आपके डिज़ायर कैरेक्टर जो भी है, आप जंगल में जाते हो, अपने डिज़ायर कैरेक्टर का एक ट्री है उसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जब आपने एक बार सिलेक्ट जो आपका ट्री था वो प्लांटेशन मिल गई, तो पेड़ तो एक ही दो मिले होंगे, उनको आप लेके आओगे वापस अपनी नर्सरी में और यहाँ पर इन्हें रिप्रोड्यूस करके छोटे छोटे प्लांट जो बनाएंगे, पौधे वो बना लोगे, मतलब बहुत सारी प्लांटेशन इकट्ठी करके बना लोगे। इसके बाद क्या होगा, ये तो पौधे बनाइए ना छोटी छोटी, ये होगी ये छोटी छोटी नर्सरी होगी, ये आपने बड़े बड़े पेड़ नहीं लगाए, मेरी पिक्चर गलत है। इसके बाद क्या किया जाएगा, इनको आप नर्सरी में ग्रो करने के बाद आप इन्हें फील्ड में लगाओगे, तो एक टाइप से क्या बनाओगे, आप अपना पूरा पूरा सीड ऑर्चर्ड बनाओगे, ठीक है। मतलब उस पेड़ों को सीड में लगा दिया, ऑर्चर्ड में लगा दिया। अब एक बार आपका बगीचा बन गया, बगीचा बनने के बाद क्या होगा, आपके पास बगीचे के दो काम हैं, एक या तो आप बगीचे में जो पेड़ लगे हैं उनसे सीड कलेक्ट करोगे, और सीड कलेक्ट करके उन्हें, क्योंकि बगीचे में 100 पेड़ होंगे, 150 पेड़ होंगे, 1.5 लाख तो नहीं होंगे, आपको पूरे इंडिया में कितनी चाहिए, 2.5 लाख 3 लाख की नर्सरी हर साल चाहिए किसी स्पीसीज की। तो यहाँ से जो सीड कलेक्ट करोगे उन्हें लगाओगे नर्सरी में,
और नर्सरी से एक नई टाइप की सीडलिंग या नई जनरेशन पैदा होगी और उसको आप डायरेक्ट प्लांटेशन करोगे। तो सीड जो ऑर्चार्ड है वो एक टाइप से आपको नर्सरी के लिए सीड का सोर्स काम करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हो, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम है उसमें सीधा सीड ऑर्चार्ड यूज़ होता है, क्योंकि आपको जो जेनेटिक जो रिक्वायर्ड जेनेटिक मेकअप है उसके हायर जेनेटिक मेकअप के प्लांट कहाँ लगे, अपने सीड ऑर्चार्ड में। तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटी करोगे तो सीधी सीड ऑर्चार्ड में ही करोगे ना, ऐसे कहाँ ढूंढने जाओगे फिर। दूसरा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सीड ऑर्चार्ड क्यों यूज करते हो, क्योंकि आपने किसी प्लांट के बीच में क्रॉसिंग की तो उसके पास किसी थर्ड प्लांट का जीनोटाइप ना आ जाए, क्योंकि प्लांट क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। फिर उसका जेनेटिक मेकअप वगैरह की स्टडी करनी होती, तो वो सब बाहर पॉसिबल नहीं है, सीड ऑर्चार्ड पे की जाती है। चलो, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि ये सिलेक्शन कैसे काम करता है। पहले आप अपने रिक्वायर्ड कैरेक्टर का प्लांट को सिलेक्ट करोगे, फिर उसको रिप्रोडक्शन करोगे उसका, उसे सीड ऑर्चार्ड में लगा दोगे, ठीक है। फिर नर्सरी वाला पार्ट हुआ या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये हुआ सिलेक्शन। लेकिन जितना ये सिंपल दिख रहा है ये उतना नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बीच में स्टेप है। जैसे पहला हम देखते हैं कि किसी ट्री का जो है कैरेक्टर है, आपने बोला सिलेक्शन ऑफ डिजायर कैरेक्टर ट्री, तो आप किसी ट्री को कैसे सिलेक्ट करते हैं इसे पहले समझते हैं, ये भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसे एक एक करके देखेंगे। मान के चलो आपके पास पूरी पूरी एक लाइन थी, एक लिस्ट थी, आपने बोला कि हम भाई ऐसे ईमानदार कर्मठ जुझारू टाइप के स्टूडेंटों को ढूंढना है। ये लिस्ट किसकी है, ये यूपीएससी वालों की है, जिन्हें बोला है कि ईमानदार, या फिर आप चुनाव वाले में इंटरेस्ट हो इलेक्शन में तो किसी कैंडिडेट को ले लो। लेकिन मुद्दा वही है कि आपकी एक बहुत लंबी सी लिस्ट है ट्री के कैरेक्टर की। आप ट्री ऐसा चाहते हो जिसका टिम्बर बहुत मस्त हो, रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, क्लाइमेट का इम्पैक्ट ना पड़ता हो, सॉइल सैलिनिटी में भी ग्रो हो जाए, किसी भी टाइप की सॉइल हो ग्रो हो जाए। तो इस टाइप की आप पूरी पूरी लंबी सी एक लिस्ट बना के लेके गए, और ये समझ लो कि एक टाइप से जंगल में आप शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है। जब शॉपिंग करने जाओगे तो क्या होगा, आपको वहाँ पर बहुत सारे पेड़ मिलेंगे जो आपके रिक्वायर्ड कैरेक्टर के हिसाब से होंगे। हो सकता है लिस्ट में आपके में 25 कैरेक्टर थे या 20 थे, कोई कैरेक्टर 10 को शो कर रहा है प्लांट, कोई 15 को शो कर रहा है, कोई 20 को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से टेंटेटिवली सभी पेड़ों को जो आपके मैक्सिमम कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर शो कर रहा है जो ठीक ठाक दिखने में है, इस टाइप से आप लगभग ऐसे 20-25 प्लांट को सिलेक्ट कर लोगे। तो इन्हें क्या बोल दिया हमने, एक टाइप से कैंडिडेट ट्री, ठीक है, या जैसे इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट मान लो। तो जो पहले जो फिनोटाइपिकली जो ऊपर से आपको जो दिखने में ठीक ठाक थे उनको आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, वो है कैंडिडेट ट्री। मतलब एक्चुअली आपके क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बैठ रहे थे। अब आप कैंडिडेट तो सिलेक्ट कर लिए, अब ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो 25 आदमी आ गए वहाँ पर, आपको तो एक ही दो ही पेड़ चाहिए ना। तो फिर आप क्या करोगे, इन्हें हटाओगे, या ऐसे समझ लो कि ये यूपीएससी ने प्री ले लिया है, ठीक है। प्री ले लिया मतलब जो दुनिया भर के पेड़ थे, 6-6.5 लाख लोग देते हैं, उसमें से जो कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो प्री निकाल पाए, तो ये हो गए कैंडिडेटरी। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इनकी एक कंपैरिजन करोगे, इन्हीं ट्रीज को आपस में कंपेयर करोगे। कंपेयर करने से क्या है, इन्हीं को क्यों करोगे, क्योंकि देखो ऐसा है कि मान के चलो एक एक ट्री है जो बहुत अच्छी हाइट में ग्रो करता है, लेकिन पता पड़ा कि जिस एरिया में आप हो वहाँ की सॉइल की साइटी कंडीशन घटिया हो, तो वो हाइट में ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो एक्चुअली आपको दिल्ली वाले बच्चे का कंपटीशन आपका छत्तीसगढ़ वाले से थोड़ी कंपेयर कराओगे, दिल्ली वालों को दिल्ली वालों से कंपेयर कराओगे। वैसे ही है यहाँ पर कि जो ट्री है तो उनकी जो आपने 25-30 जो ट्री सिलेक्ट किए उनको आपस में कंपेयर करोगे कि पहला कैरेक्टर ले वो ट्री हाइट का, तो ये देखोगे कि इनमें कौन कौन सी पेड़ हैं जिनकी ट्री हाइट अच्छी है और जो आपको रिक्वायर है वो मिल रहा है, यानी कि स्टेम जो है अपना जो मैन स्टेम है वो बिल्कुल क्लीन है और स्ट्रेट बोल है। जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट कैरेक्टर मिल जाएंगे तो इस टाइप से आपने जो लिस्ट है उसके हिसाब से मैक्सिमम देखोगे, मतलब इनमें जो 25 में से सबसे टॉप के 5 हैं, जो टॉप के 5-6 निकल जाएंगे वो एक टाइप से अपने फिनोटाइपिकली सुपीरियर है इन सभी पेड़ों में जो 25 थे इनमें से, इन 25 में से
जो फिनोटिपिकली मतलब देखने में सबसे सुपीरियर है वो आपने सिलेक्ट कर लिए, तो उनको हम बोल देते हैं प्लस ट्री। क्या प्लस ट्री? मतलब एक टाइप से इसने मेंस निकाल लिया, ठीक है, फिर ये हो गया था इसका मेंस, ये हो गया। अब जो प्लस ट्री है ये फिनोटिपिकल तो सुपीरियर है, देखने में जो भी देख रहा था, हाइट अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, स्टेम स्ट्रेट है, लेकिन एक्चुअल में हमें ये नहीं पता ना कि अंदर से क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, क्योंकि पता पड़ा कि जैसी मौका दे देंगे इसे आगे, जैसी जॉब पकड़ा देंगे, जैसी ये चुनाव जीतने के बाद आगे पहुंचाएगा, पता पड़ा करप्शन कर ले, तो अंदर से नहीं मालूम हमें। तो अब हम इसकी करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग। तो इसमें आएंगे दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है प्रोविनेंस टेस्ट और दूसरा होता है प्रोजनी ट्रायल। मतलब ये नेता जो है, एक तो इसका पूछा पुराना जो बोलते हैं इसकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाएगी, पुरानी हिस्ट्री मतलब इसके मदर फादर कौन है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ का है, तो उसे बोला जाता है प्रोविनेंस। प्रोविनेंस मीन्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ये जो बंदा है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, कहाँ से आया है ये, तो प्रोविनेंस टेस्ट में हम ये चीज़ देखेंगे। दूसरा प्रोजनी ट्रायल, कि इसकी जो अगली जनरेशन है, इसके बच्चे जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो भी इसी जैसे हैं या वो गड़बड़ हैं। अगर बच्चे गड़बड़ हैं इसका मतलब ऑब्वियसली इसने कंट्रोल उन पर नहीं किया, मतलब इसका जीनोटाइप घटिया है। ये भले ही अच्छा दिखने का कोशिश कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में अच्छा बंदा नहीं है, इसका जीनोटाइप घटिया है। तो इस टाइप से आप उसकी पास्ट और फ्यूचर दोनों देख लेते हो। दोनों देखने के बाद जो कैंडिडेट निकलता है, मतलब प्लस ट्री जिसे आप जेनेटिकली सुपीरियर निकाल देते हो, उसे हम बोलते हैं एलाइट ट्री। मीन्स एलाइट ट्री मीन्स ऐसा प्लांट जो जेनेटिकल और फिनोटिपिकल दोनों सुपीरियर है। प्लस ट्री मतलब जो फिनोटिपिकल सुपीरियर है, और कैंडिडेट ट्री तो स्टार्टिंग में थे, ठीक है। तो जब हम कैंडिडेट ट्री को सिलेक्ट करते हैं, मैंने आपसे बोला कि कैंडिडेट ट्री तो 20-25 हो गए, तो यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं वो काफ़ी मेथड हैं, उन्हीं में से एक होता है कंपेरिजन ट्री मेथड या चेक ट्री मेथड, इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे हम आगे। दूसरा इन्हें हम अलग टॉपिक से कवर करेंगे और इन्हें अलग अलग करके करेंगे, क्योंकि ये एक साइड अगर कर दिए तो मिक्सअप हो जाता है और दिमाग का दही होता है। ओके, तो एक बार एलाइट ट्री के बारे में देख लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं। कैंडिडेट ट्री स्टार्टिंग में खड़े किए, मतलब ऐसे ट्री जब आप कहीं गए थे तो आपको जो आउटस्टैंडिंग दिख रहे थे परफॉर्मेंस में, इन्हें टेंटेटिवली सिलेक्ट किया था, ये वैसे सिलेक्ट नहीं, जस्ट टेंटेटिवली काम चला, ठीक है, अपना जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसके लिए। बाद में जब हमने इनका थोड़ा कंपेरिजन किया या चेक किया, इसके बाद जो ट्री बने उन्हें बोल दिया प्लस ट्री, लेकिन प्लस ट्री भी सुपीरियर नहीं थे, ये फिनोटिपिकली सुपीरियर थे, बट जेनेटिक टेस्टिंग अभी नहीं हुई। इनकी जेनेटिक टेस्टिंग के बाद इन्हें बोला गया एलाइट ट्री। तो ये है वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों सुपीरियर है। अब आते हैं आगे, एक बार एलाइट ट्री को देख लेते हैं। मतलब ये ऐसे ट्री होंगे जो जीनोटाइपिक फिनोटिपिक सुपीरियर होंगे, किसके अकॉर्डिंग? जो आपका कैरेक्टर है, मीन्स आपका कैरेक्टर क्या था, आप चाहते थे कि आपका जो स्टेम है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और उसमें ब्रांचें बहुत कम हो, आप चाहते थे कि आपका शॉर्ट क्राउन हो, आप चाहते थे कि उसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और टैप रूट हो, ग्रास को एलीलोपैथी ना करे, तो जो भी आपके कैरेक्टर थे उसके अकॉर्डिंग वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक सुपीरियर होना चाहिए। अगर ये है तो आपने उस प्लांट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो, आपने ये वाला तो पार्ट हो गया सिलेक्शन ऑफ डिजायर कैरेक्टर वाला, अब अपना मुद्दा बचा है रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ से जो प्लांट उखाड़ के ले आए थे उसे आप कहाँ रखोगे? नर्सरी में लेके जाओगे और वहाँ पर नर्सरी प्रोड्यूस करोगे। और तीसरा नीचे आएगा ऑर्चर्ड वाला, ऑर्चर्ड वाले को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक साथ सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। रिप्रोडक्शन वाले में देख लेंगे, यहाँ पर दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है ऑर्टेट और दूसरा होता है रेमिट। तो देखो, जहाँ से आपने मैन प्लांट था, यहाँ से कोई ट्री एक्चुअल में आप कोई पेड़ को उखाड़ के नहीं ले आते हो, पेड़ वहाँ से बड़ा है तो पेड़ को उसके नेचुरल होम में ही छोड़ देते हैं। तो जो पेड़ ओरिजिनल है उसे टर्म यूज किया जाता है ऑर्टेट, ऑर्टेट का मतलब ओरिजिनल।
उसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपने पढ़ा है, तो वहाँ से हम कोई पार्ट लेके आएंगे, ब्रांचे काट लेके आएंगे, तो जो पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट होता है उसे बोला जाता है रैमिट, ठीक है, क्लोन बोल सकते हैं उसका। तो क्लोन्स लेके आते हैं और उनको हम नर्सरी में ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट नर्सरी टाइप की ग्रो करेंगे। ओके, अब मुद्दा आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया किसका, अपन इसे पढ़ा था, ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था अपने, ये पूरा के हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये पूरी पूरी अपनी प्रोसेस चली थी। तो आपने यहाँ क्राइटेरिया लिया था, तो यहाँ पर मुद्दा यह है अपन को तीन अलग अलग से टॉपिक पढ़ना है। एक तो यहाँ इनको सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया लिए थे, दूसरा यहाँ पर कौन कौन से मेथड लिए थे जिससे हमने प्लस ट्री सिलेक्ट किया, और तीसरा यहाँ प्रोविनेंस और प्रोजेनी ट्रायल। तो इस टाइप से ये तीन सब टॉपिक में हम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले आप पढ़ लेते हैं हम ये क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, जिनके बेस पे आपने किसी ट्री को सिलेक्ट किया था और वो कैंडिडेट बने हैं। एक क्राइटेरिया पे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। अब देखो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, क्राइटेरिया वो होंगे जो आपकी डिमांड है, आप चाहते क्या। फॉर एग्जांपल आपका एम है टिम्बर प्रोडक्शन के लिए ट्री चाहिए, तो आप ऐसे ट्री को सिलेक्ट करे होंगे जिसमें फॉर्किंग ना हो, मतलब ब्रांचें ना हो, एक स्टेम है वो नीचे से ऊपर तक एक ही स्टेम जाए। दूसरा अगर वो सेल्फ प्रूनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा। तीसरा उसमें ये नॉट वॉट ये डिफेक्ट जैसे प्रोडक्शन कम होता हो, फाइबर अच्छे हों स्ट्रॉन्ग हो। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपकी टिम्बर रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हुआ। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट फूडर के लिए है, आप ऐसे प्लांट बना रहे लेके आ रहे हो जो जो अपने एनिमल डोमेस्टिक एनिमल है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूडर प्रोड्यूस कर सके, तो उस केस में क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि पेड़ जो है वो मीडियम साइज़ की हो। मीडियम साइज़ के क्यों, क्योंकि अगर वो पूरी पूरी एनर्जी हाइट में कंज्यूम करेंगे, ज़्यादातर हाइट में बढ़ा देंगे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि उनका साइड ग्रोथ कम होगी, क्योंकि पूरी तो एनर्जी उन्हें ऊपर बढ़ने में लगा दी। दूसरा जब इनको आप काटोगे, मतलब फुडर कर रहे हो तो आप लीफ काटोगे, तो ज़्यादा ऊंचाई होगी तो काटने में भी समस्या है, नीचे रहेगी तो आसान जाता है। तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से आप ये चाहोगे कि उसमें ब्रांचेज ज़्यादा हो, साइज एवरेज हो, मीडियम हो। ब्रांचेज ज़्यादा मतलब मोर लीफ लेटर मीन्स मोर लीफ फुडर, ठीक है, लीफ जो लीफ एरिया पर यूनिट एरिया में ज़्यादा हो, और लीफ जो हो वह ऐसी हो जिससे पचा भी आसानी से जा सके और खाने में जो एनिमल्स है उन्हें पसंद हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नीम लगा दिया तो कोई एनिमल खाने को तैयार ना हो कड़वाहट की वजह से, तो ऐसा हो कि पैलेटेबल हो और डाइजेशन इजली हो जाए। अगर आपका पर्पज फ्यूल बोर्ड है तो आप ऐसी लगाओगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करता हो, क्योंकि फ्यूल बोर्ड के लिए आपको डायमेंशन मायने नहीं रखता, पेड़ टेढ़ा हो गए कैसा भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बस वो उगे, ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस करे, बस एक ही इशू है अपना। तो उसके लिए देखेंगे कि कम से कम रोटेशन हो जिससे रिटर्न अच्छी जल्दी से आ जाए, और दूसरा इसमें कांटे ना हो, क्यों कांटे होंगे जैसे बबूल में है तो फिर भाई उसे जलाते समय काटते समय समस्या आती है, तो कटीला ना हो, रोटेशन का वो मस्त है अपने लिए। तो ये हो गया अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ का टिम्बर के लिए अगर देख लिया जाए दोबारा से तो क्या क्या हो सकते हैं। फिजिकल अगर बाहर से देखा जाए, फास्ट ग्रोविंग हो, फॉर्किंग ना हो, लार्ज और वाइड साइड का क्राउन हो, इस टाइप की ट्विस्टिंग ना हो, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो, अगर स्टेम के बारे में बोला जाए तो क्राउन स्मॉल हो, जो बोल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बार्क पतली हो, क्योंकि बार्क पतली क्यों, क्योंकि बार्क की अगर मोटी होगी तो फिर वो उसके लास्ट में प्रोसेसिंग के टाइम पर बर्बाद होती है, ठीक है। सेल्फ प्रूनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर इसके इंटरनल कैरेक्टर के देखा जाए तो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, ल्यूमेन मतलब उसके अंदर जो सेल है उनकी साइज क्या है, सेल वाल की थिकनेस क्या है, फाइबर्स जो है उनकी लेंथ क्या है, तो इस टाइप के जो कैरेक्टर है उनके हिसाब से अपन टिम्बर वाले कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ टिम्बर को इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सबसे ज़्यादा टिम्बर क्वालिटी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में वही है जो मैंने अभी बताया कि आप क्या देखोगे कि गम कितना हो रहा है, टैनिन वगैरह है कि नहीं, रेजिन है कि नहीं। अगर आप चीड़ पाइन को देखोगे तो वहाँ पर ये देखना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट है जो ज़्यादा रेजिन
प्रोड्यूस करेगा, तो अपने अकॉर्डिंग के देख लेना, ठीक है। वही है यहाँ पर ड्राउट रेजिस्टेंट, क्लाइमेट रेजिस्टेंट, साल्ट रेजिस्टेंट, इस टाइप के करेक्टर को हम वहाँ देख लेते हैं। अब इशू कहाँ है, मैंने आपको इतने सारे करेक्टर पढ़ा दिए, इसके साथ साथ अगर फ्लैशबैक में देख लिया जाए तो ऐसी चीज़ें, आप चॉइस ऑफ स्पीसीज था सिल्वीकल्चर का चैप्टर नंबर 15, उसमें भी देख चुके थे। जब उसमें आपने स्पीसीज को सिलेक्ट करते थे तो उसमें आपने देखा था कि जो भी आप स्पीसीज सिलेक्ट कर रहे हो उसकी कुछ सिल्वीकल्चरल रिक्वायरमेंट होती हैं, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है, साइट के हिसाब से उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर वो आप प्रोवाइड कर पा रहे हो तभी आप सिलेक्ट करोगे, आपके यहाँ कुछ है नहीं, आप जितने कि आपको बोलते हैं ढोल नहीं है उतने के मजीरे क्यों फूलोगे। तो उस टाइप का पहले देख चुके थे, और वहाँ पर एक क्वेश्चन भी था कि इन्यूमरेट द फैक्टर विच डिसाइड द चॉइस ऑफ स्पीसीज फॉर प्लांटेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जो यहाँ जो स्पीसीज सिलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ जो क्राइटेरिया थे उसमें डोमिनेंट वो क्राइटेरिया थे जो हम प्लांटेशन के लिए यूज कर रहे थे, मतलब फिजिकल फिनोटाइपिक कैरेक्टर डोमिनेंट थे। लेकिन यहाँ पर जो अपना चल रहा है, यहाँ पर जीनोटाइपिक कैरेक्टर की बात की जा रही है यूजुअली, कि फॉर्किंग ना हो, ये फलाने दिखाना, लेकिन एवरेज दोनों के कैरेक्टर लगभग सेम ही होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तो अपने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, एक पे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन था लिस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएशन। आपसे बोला था कि ये दुनिया भर के जो फिनोटाइपिक वेरिएशन है, फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब उसका इंटरनल जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो, तो जो एक्सटर्नल है कंपोनेंट है उसमें क्या किस टाइप के वेरिएशन है उनको लिस्ट करना था। फॉर एग्जांपल ट्री को ले लो, ट्री में क्या होता है, एक वो है जिनकी हाइट ज़्यादा है, मीडियम हाइट के या स्मॉल हाइट के, ट्री के स्टेम के बारे में लिखोगे, स्ट्रेट है, फॉर्क्ड है, सिंगल स्टेम है, मल्टी स्टेम है, ठीक है, लीव्स है, वेरिएशन ही पूछा ना, तो हर कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएशन, लीफ है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, और थोड़ी जो कलर वाली होती है वो भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर ट्री ब्रीडर्स, इस टाइप के कैरेक्टर ट्री ब्रीडर्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये भी देख लो। मैंने जैसे अभी आपसे बोला कि साल्ट रेजिस्टेंट है एक कैरेक्टर है, मैंग्रोव्स में तो वो कैरेक्टर है, जैसे कि उनकी लीव्स में साल्ट ग्लैंड्स होती हैं, तो उनकी लीव्स में साल्ट ग्लैंड होती है, इनके में नहीं होती, ये एक वेरिएशन हो गया। तो हम उनका वो साल्ट ग्लैंड वाला जो जीनोटाइप है उसे लेकर के अपने पेड़ों में लगा देंगे जो एरिड ये सेलानियल क्लाइंट सॉइल में उग रहा है, तो अब ये यहाँ पर भी ये इजीली पॉसिबल है उगना। दूसरा, हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट हैं ये क्लाइमेटिकली पहले ही इनने गर्मी सर्दी को बहुत छिला है, तो इनकी जो जीनोटाइप है उसमें ये क्लाइमेटिकली काफ़ी हद तक रिसाइलेंट है। लेकिन जो यूरोप के प्लांट है उनने इतना नहीं झेला, तो वो लोग क्या करते हैं अपने यहाँ का जीनोटाइप प्लांट का लेके जाते हैं और वहाँ के प्लांटों में ब्रीडिंग करके उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल अपनी गाय का देख लो, इसका जो ए टू जीन है ये तो हम लोगों को बहुत बाद में पता पड़ा कि इसका ए टू जीन का भी कोई पर्पज़ है, हमें मालूम पालने से पहले वो हमारी गायों को लेकर के गए और उन्होंने वो ए टू जीन से वो अपनी आगे जो जर्सी गाय थी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पर्पज क्या है कि इस टाइप की जो वेरिएशन है उससे कैसे इम्प्रूव करोगे ब्रीडिंग, कि आप अपने यहाँ की जो टिम्बर है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी इन्वायरमेंटल मीन्स इंसेक्ट पैथ है, पैथोलॉजी रेजिस्टेंस है, इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक रिसाइलेंट करना, इस टाइप के कैरेक्टर को इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो जो ट्री ब्रीडिंग का इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला तो हो गया, अब मुद्दा आता है कि सिलेक्शन का मेथड कैसे हुआ, ठीक है, इसे देख लेते हैं। देखो किसी प्लांट को सिलेक्ट करते हो, वो जंगल जंगल में जब शॉपिंग करने गए थे तो सिलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जो आपकी कैरेक्टर थे 15 या 20, आप एक्चुअली प्लांटों को उन कैरेक्टर के बेस पे ही सिलेक्ट करते हो, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। इनडायरेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, देखो किसी भी कैरेक्टर के जैसे ट्री का जो हाइट है वो ट्री की हाइट केवल ऐसा नहीं है कि ट्री के जीनोटाइप की वजह से ही हाइट है, उसके बहुत सारे और भी जीनोटाइप होंगे जो ट्री की हाइट को प्रमोट करते होंगे। जैसे एक जीन होगा जो ट्री की स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम को बिल्डअप करता होगा,
अब एक बार अगर स्ट्रॉन्ग रूट है, बड़ी रूट है, तो उसे न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा मिलेगा। इसका रिजल्ट होगा कि वो प्लांट की हाइट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन में हम क्या देखते हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर जो हमारा सिलेक्टेड क्राइटेरिया है उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करते हैं। तो हम एक्चुअली मैन वो बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, तो उसी टाइप का हम मैन कैरेक्टर को ना करके उसके साइड पे झाड़ू फेंकते रहते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन जिसमें हम प्लांट को अपनी लिस्ट के हिसाब से जाएंगे और जैसे हम पहले एक कैंडिडेट ट्री खड़े करेंगे, फिर हम उनका ये चेक करेंगे, फिर प्लस ट्री बनाएंगे, फिर उनका जेनेटिक टेस्ट लेंगे, फिर हम इलाइट ट्री कर देंगे। तो जो हम इससे पहले कर चुके थे ये है डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट का मैं बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन की बात की जाए तो ये भी दो टाइप के होते हैं। ये जो सिलेक्शन बोल रहे हैं ये कौन सा मेथड है, ये मुद्दा है कि देखो आपने कैंडिडेट ट्री खड़ी करते हो, यहाँ पर ये जो दुनिया भर के हैं चेक ट्री रिग्रेशन, ये क्या है? ये एक मेथड है, मतलब जिसके थ्रू आप प्लांट को प्लस ट्री में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये क्या चाहिए, ये यहाँ पर वही ये चल रहा है सिलेक्शन मेथड, जिसके थ्रू आप कैंडिडेट ट्री को सिलेक्ट करके प्लस ट्री बनाओगे, ठीक है। और फिर ये प्रोजेनी टेस्ट वाला ये अलग पार्ट में आ जाएगा, ओके। अब इसे सिलेक्शन मेथड को देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के दो हो गए इवन एजेड और अन इवन एजेड। अब मुद्दा ये है कि अलग अलग क्यों किया, क्योंकि इवन एजेड यानी कि आपकी जैसे कहीं प्लांटेशन लग रखी है, प्योर प्लांटेशन है, तो उसके ट्री जो होंगे वो जनरली एक सिमिलर टाइप की कंडीशन को उन्हें फेस किया है, बहुत ही बेहतर टाइप की कंडीशन में होगी, तो उनकी हाइट ग्रोथ वगैरह अच्छी होगी। इन अनइवन एजेड कोई नेचुरल फॉरेस्ट खड़ा हो रखा है, वहाँ दुनिया भर की स्पीसीज है, तो वहाँ कॉम्पिटिशन भी काफ़ी अच्छा होता है, अलग अलग वेराइटी है, तो वहाँ कंडीशन अलग है, इसलिए उन्हें अलग करते हैं और इन्हें अलग करते हैं। तो जो इवन एजेड है यहाँ पर जो मेथड यूज किया जाता है इसे बोलते हैं कंपेरिजन ट्री मेथड, ठीक है। अनइवन एजेड है, इसमें चार पाँच हैं, इनके नाम नाम याद रख लो, पढ़ना अपन को एक को ही। पहला होता है इंडेक्स सिलेक्शन मेथड। ये क्या होता है, आपके जो कैरेक्टर हैं उनकी एक इंडेक्सिंग कर देते हो, जैसे टेबल नहीं बनाते हो इंडेक्स उस टाइप का, जैसे नोट्स के आगे फर्स्ट सेकंड पेज पर इंडेक्स होती है उस टाइप का, ठीक है। अब वो इंडेक्स के आगे जहाँ आपके पेज नंबर होते हैं वहाँ पर आप ट्री का नंबर लिखते हो, और फिर जैसे आपके चैप्टर होते हैं वहाँ पर आपके कैरेक्टर लिख रखे हैं चैप्टर की जगह, और पेज नंबर है वहाँ पर पेज नंबर के 7-8 कॉलम बना देते हैं, कॉलम हर पेड़ को एक कॉलम, जिस पेड़ में जो जो कैरेक्टर है उसके आगे उस कॉलम पे हम क्लिक क्लिक राइट राइट लगाते जाते हैं। तो फिर लास्ट में हम आसानी से ऐसे पेड़ जिसने ज़्यादातर कैरेक्टर को कंप्लीट किया हो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है इंडेक्स सिलेक्शन मेथड। दूसरा रिग्रेशन या बेसलाइन, दोनों एक ही बात होती है, बस इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, दोनों एक ही है, इसको हम आगे समझेंगे। तीसरा ये मदर ट्री सिलेक्शन आएगा नीचे, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। तीन ही के नाम याद रख लो बहुत है, इंडेक्स सिलेक्शन, रिग्रेशन मेथड और मदर ट्री सिलेक्शन। इधर देख लेंगे हम कंपेरिजन ट्री मेथड। तो सबसे पहले ये अपना हो चुका था, इवन एजेड स्टैंड वाला देख लेते हैं, कौन सा कंपेरिजन ट्री मेथड, या इसी को बोलते हैं चेक ट्री मेथड। ये होता क्या है एक्चुअली, कैसे काम करता है इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप जाते हो क्या किसी प्लांटेशन एरिया में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, एक ही स्पीसीज होगी, जैसे कोई प्योर प्लांटेशन कर रखी है आपने, प्लांटेशन एरिया में जाकर के आपके जो कैरेक्टर थे उसके हिसाब के आप पेड़ ढूंढोगे, और आपने लगभग 20-25 ट्री है जो उन्हें सेलेक्ट कर दिया, सपोज 25 कर दिया। इसके बाद अपना वो पेज निकालोगे फर्रा, और उस फर्रे में ये देखोगे कि ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जो आपके जो कैरेक्टर है उनको बिल्कुल सबसे मस्त तरीके से फॉलो कर रहा है, तो जो सबसे बेस्ट कर रहे होंगे, मतलब हाइट के हिसाब से एक प्लांट देख लेंगे जो सबसे सही हाइट को शो कर रहा हो, दूसरा जो डायमीटर को शो कर रहा हो, तो इस टाइप से 3-4 पेड़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इनको बोल देते हैं हम चेक ट्री।
चैक्टरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही जो हमने दो या तीन प्लांट जो सिलेक्ट किए हैं, इन्हीं के बेस पे बकाया के जो 25 ट्री हैं उनको कंपेयर किया जाएगा। जैसे हमने जो 25 थे उनमें एक बार ही एक प्लांट को चैक्टरी सिलेक्ट कर लिया, मतलब हाइट के लिए, तो फिर बकाया के प्लांटों में सिलेक्ट किया जाएगा कि अच्छा इस प्लांट की हाइट इसके बराबर, चैक्टरी के बराबर है कि नहीं, जिसकी नहीं निकली उसे आउट, जो निकल गया चलो अंदर आ जाओ। तो इस टाइप से हम कैरेक्टर बाई कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर ले लेकर के सबको अंदर बाहर करते रहते हैं, और इसका रिजल्ट होता है कि लास्ट में आकर के आपको 5-6 पेड़ 25 में से 5-6 निकल ही आते हैं। ठीक है, तो ये है चेक ट्री, या उसे बोलते हैं कंपेरिजन ट्री। क्यों? क्योंकि आप एक जो बेस लिया हाइट के लिए, जो एक प्लांट लिया पका के प्लांट को, उसके साथ हाइट में कंपेयर किया था। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा कोई प्लांट निकल ही आएंगे 5-6 जो मेजोरिटी कैरेक्टर को शो करते होंगे। ओके, अब यहाँ पर मुद्दा ये आ जाता है कि पहला तो इशू यह है कि ये जहाँ पर भी अप्लाई होगा ये कंपेरिजन ट्री मेथड, ये हमेशा किस में होगा? इवन एजेड स्टैंड में। ठीक है, दूसरा ये है कि इनमें जो एज है या साइट कंडीशन है वो लगभग एक सी हो। ऐसा नहीं हो कि आपने दो प्लांट हिल के ले लिए, दो वैली के ले लिए, तो हिल वाले तो किसी कॉम्पिटिशन में लगने वाले नहीं है, तो इस टाइप का भी नहीं हो, मतलब एक एवरेज जैसे हो, और उस सिमिलर कंडीशन में हम इनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसे पढ़ लोगे इसमें बकाएगा कुछ बचता नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब अपना जो इवन एजेड स्टैंड वाला इशू था वो सॉल्व हो गया, अब अपन देखेंगे अन इवन एजेड वाला। इसमें देखेंगे रिग्रेशन मेथड या बेसलाइन मेथड, ये दोनों लगभग एक से ही है, बस इतना फ़र्क है कि बेसलाइन में हम कैरेक्टर जो है, जैसे जो इवन एजेड था चेक ट्री, इसमें आपने 4-5 एक कैरेक्टर के हिसाब से ले रखे थे प्लांट, एक कैरेक्टर हाइट के लिए एक प्लांट, विड्थ के लिए दूसरा प्लांट, फूडर या लीफ का एरिया देखना या क्राउन देखना उसके लिए तीन प्लांट, तीसरा प्लांट, और इस टाइप के प्लांट को जो एवरेज डोमिनेंट प्लांट थे कैनोपी के, उनमें से बकागिन को कंपेयर करके आपने सेलेक्ट किए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ पर सबके सब अनइवन है, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पर उस साइड के हिसाब से आप प्लांट को देखो, जहाँ साइट है वहीं के प्लांटों का एवरेज लेंगे। तुमने बोला कि सपोज हाइट है, तो यहाँ पूरे प्लांटों की एवरेज हाइट मेजर करके एक एवरेज निकाल लिया। ठीक है, अब अगर रिग्रेशन मेथड है तो वो क्या करते हैं, यहाँ एज और वॉल्यूम का एक लाइन बना लेते हैं, रिग्रेशन लाइन, जो यहाँ पर जो एवरेज निकलेगा उस एवरेज के हिसाब से, क्योंकि एवरेज एज के हिसाब से अलग अलग होगा, छोटे पेड़ों का एवरेज अलग आएगा, बड़े पेड़ों का अलग आएगा, और जो बूढ़े हैं उनका अलग आएगा। तो रिग्रेशन मेथड क्या करता है, इसकी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेता है, और ऐसे पेड़ जो इस लाइन यानी कि जिनकी एज के हिसाब से जो वॉल्यूम होना चाहिए उस वॉल्यूम से उनका ज़्यादा वॉल्यूम है, मैं एक कैरेक्टर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ केवल, या अगर यहाँ हाइट ले लोगे वॉल्यूम की जगह, तो उन वो जिनका एज के हिसाब से उनकी हाइट ज़्यादा है उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे, उन्हें बोल दिया ये प्लस ट्री है। तो रिग्रेशन में केवल यहाँ ये इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं, जबकि जो बेस लाइन है उसमें क्या किया जाता है, बेस लाइन का मतलब ऐसी लाइन जो बिल्कुल नीचे हो, बेस हो, तो उसमें ये पेड़ों का क्या होता है, हाइट का एक एवरेज ले लेते हैं, मतलब एवरेज मतलब निकला सपोज 12 मीटर, तो पेड़ों की हाइट मेजर किया जाएगा, जो 12 मीटर से नीचे है उन्हें निकाल दिया जाएगा भागो, और जो 12 मीटर से ऊपर है उन्हें बोल दिया प्लस ट्री है। तो उसमें बस इसमें बेस लाइन में कोई ये ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बस, तो इसलिए बेस लाइन मेथड या रिग्रेशन लाइन मेथड ये लगभग एक ही है। ठीक है, इसे किसे यूज करेंगे, अनइवन एजेड के लिए। दूसरा हमने देखा था कि हाँ मदर ट्री सिलेक्शन क्या होता है, देखो फ्यूल वुड का लिए आप प्लांट कर रहे हो, फ्यूल वुड के लिए, तो फ्यूल वुड के लिए आपको दुनिया भर के कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, पेड़ सीधा कैसा भी होगा कोई बात नहीं चलेगा, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि मदर प्लांट कैसा है, मतलब जो प्लांट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका मदर प्लांट कैसा है, मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, अगर मदर प्लांट भी उसी के जैसा है, मतलब जैसी माँ वैसा बच्चा, तो मतलब सिलेक्ट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इसे बोलते हैं मदर ट्री सिलेक्शन मेथड। तो यहाँ पर एक मुद्दा और आता है, वो टर्म आता है टेंडम सिलेक्शन। ये टेंडम सिलेक्शन IFS वालों को छोड़ देना है, जो MCQ वाले देने वाले हैं उनके लिए है केवल,
कि जब अपन जो सिलेक्शन कर रहे थे, जैसे कैंडिडेट ट्री में किया था, इवन एजेंट के लिए चेक ट्री मेथड किया था, उसमें कि एक टाइम पे एक कैरेक्टर को लेके करते हैं कि हाइट हाइट का देख लिया तो देख लेंगे कितनी हाइट में पास हो रहा है, जितने बकाए के जो हाइट में निकल गया उन्हें भगा देंगे, बकाए जो 25 में से जो 10-12 बच गए हाइट में उन्हें पकड़ लिया, फिर देखेंगे अच्छा आप दूसरा ले लेंगे, अब देखते हैं इनका क्राउन का साइज क्या है, तो पता पड़ा कि उनमें से कुछ क्राउन के नंबर नाम पे निकल जाएंगे, तो इस टाइप से निकाल निकाल के लास्ट में 5-6 पेड़ तो बच ही जाएंगे, तो वो उसमें प्लस ट्री हो जाते हैं। तो ये जो सिलेक्शन होता है वो एक एक करेक्टर को लेकर चलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं टैंडम सिलेक्शन। ओके आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन कर चुके थे इवन एजेड और अनइवन एजेड के बेस पे, और इनडायरेक्ट सिलेक्शन कर चुके थे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम पे हमने क्या किया था, इनके नाम पे हमने सिलेक्ट कर लिया था प्लस ट्री। अब अपने पास प्लस ट्री आ चुका है, अब इस प्लस ट्री का क्या करेंगे, हम करेंगे जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद इससे क्या पता पड़ेगा हमें, इसकी क्वालिटी, मतलब ये बाहर से तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से कैसा है। जब इसके बाद जब जेनेटिक टेस्टिंग हो जाएगी तब हम इसे बोलेंगे एलाइट ट्री, और एलाइट ट्री हो गया मतलब फिर इसके बाद फिर हम या तो सीड, अगर सिलेक्शन मेथड है तो सीधा वहाँ से पेड़ को लगा करके नर्सरी में ग्रो करेंगे, और नर्सरी में ग्रो करने के बाद ऑर्चर्ड बना लेंगे, और ऑर्चर्ड से फिर नर्सरी के लिए सीड वगैरह जाते रहेंगे, और अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है तो फिर हम ऑर्चर्ड से वो वहीं पर करेंगे। अब मुद्दा अपना वो नहीं है, अब मुद्दा यहाँ क्वेश्चन का है। क्वेश्चन आया था व्हाट आर द डिफरेंट सिलेक्शन मेथड यूज बाय ट्री ब्रीडर। तो ट्री ब्रीडर कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, उनके पास दो हैं, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बोला जाए तो इवन एजेड और अनइवन एजेड के। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बना करके उनके नाम भी लिख देना और एक आध को एक्सप्लेन कर देना, या डायरेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दो, बहुत कुछ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इतने ही में काफ़ी हो जाता है, 10 मार्क आ जाता, लंबा क्वेश्चन भी नहीं था। ओके यहाँ